अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक SQL एनालिसिस है जो कि मैंने किया है ऑन योर सेंड अप एग्जामिनेशंस रिजल्ट्स वी हैव अनाउंस्ड. सो आई थॉट लेट्स डेल्व इन इट अ बिट टू मे बी गेट सम पैटर्न्स आउट व्हिच मे मीन समथिंग एंड व्हिच कैन हेल्प यू. सो दिस इज व्हाट वी फाउंड. मैंने बेसिकली इस दफ़ा प्रॉब्ली पहली दफ़ा हमने ये किया है कि हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है आपके सेंड अप रिज़ल्ट को. हमने सिर्फ पास फेल नहीं मेंशन किए, हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि कौन किसने एक्सेल किया है इस एग्ज़ाम में और कौन बिलो 60 है. ऑफ कोर्स देर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ योर क्लास इज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो दे कैन ऑल्सो डराइव सिमिलर कंक्लूजन्स जो कि हम इसमें से निकालेंगे. तो ये वो बच्चे हैं जो 75 और अबव जिन्होंने स्कोर किया है. ये उनका डाटा है, इसका ऑब्वियसली एक बड़ा कंप्रेस्ड फॉर्म है. और दूसरा है जो बिलो 60 हैं. ये बच्चे 14 थे, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, और ये बच्चे 7 थे. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने उनके स्कोर्स लिए हैं, मैंने उनके मीन निकाले हैं सारों के. ठीक है. फिर उनको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आइटम्स थे उनसे वो करके एक एवरेज निकाल ली है कि उनके इन 7 बच्चों के ये मेन स्कोर्स हैं एमसीक्यूज में और ये इतना उन्होंने एवरेजली स्कोर किया है परसेंटेज में. ठीक है. इट्स रियली द सेम थिंग बट दिस गिव्स यू अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. फिर इसी तरह से SEQs हैं और SEQs में हमने देखा है कि मीन स्कोर क्या है और उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है. ठीक है. इस तरह गेम शो वाइवा में आप देख सकते हैं ये परसेंटेज है इसकी, प्रैक्टिकल में ये परसेंटेज है इसकी. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से इफ यू लुक एट द बिलो एवरेज बिलो 60 बिलो 60 बच्चों मैंने इसलिए चीज सेलेक्ट की है इज बिकॉज UHS में जो है पासिंग रेट वो 50% है और ऑफ कोर्स हम लोग पासिंग परसेंटेज या जस्ट पास पे ज़्यादा फोकस कभी नहीं करते, ना इनकरेज करते हैं बच्चों को कि आपने बस मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं. ज़ाहिर है कौन करे, कौन रिस्पॉन्सिबल इंसान या जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मिनिमम क्राइटेरिया को सामने रखते हुए अपनी पढ़ाई करेगा या पढ़ाएगा. तो इसको आइसोलेट करने का मकसद ये था कि ये मुझे ख़तरा है ये वो बच्चे हैं जो कि अगर अपने गेम को आप नहीं करेंगे तो ये खुदा ना खास्ता बिलो 50 भी चले जाएंगे. ठीक है. UHS के इम्तिहान में तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को आइसोलेट किया. तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके मेन स्कोर्स हैं, ये उनकी परसेंटेज है और ये सारा डाटा आपके सामने है. इसमें जो आप जो तवज्जो तलब चीज़ है वो ये है, वो SEQs हैं. ठीक है. SEQs में इवन जो 75 अबव वाली कैटेगरी है उन्होंने सबसे जो ज़्यादा स्कोर किया है वो GSV में किया है और सबसे कम जो स्कोर किया है वो SEQs में किया है. इनफैक्ट SEQ में ये अपनी डिस्टिंक्शन जो लेवल है गालिबन आजकल 80% है UHS में, ये उससे बहुत दूर चले गए हैं. सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट बाय दिस ग्रुप एंड ऑल दोज जो फॉल करते हैं दोनों ग्रुप्स के बीच में कि SEQ अटैम्प्ट में मामलात हैं. मैं इसमें थोड़ी देर के बाद कॉमेंट भी करूँगा. और बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें कि जो बिलो 60 वाले बच्चे हैं उनके सारों में कम हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कम उनके इसमें हैं. इनफैक्ट इसमें वो फेल हैं, इसमें वो 50% से नीचे चले गए. 40 का आधा आप निकालो तो 20 बनता है, तो एवरेज उनकी 20 से. इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि 14 के 14 के गए लेकिन मीन वैल्यू नीचे गई है. तो कुछ बच्चों के होंगे 20 से ऊपर भी होंगे लेकिन ज्यादातर के 20 से नीचे हैं. ठीक है. जो एनालिसिस होता है तो फिर वो इस तरह से होता है. राइट. नाउ 41% मींस दैट दे फेल्ड दिस कंपोनेंट. दे पास दिस, दे डिड वेल इन प्रैक्टिकल, दे डिड ओके इन MCQs, बट SEQs दे फ्लंट. सिमिलर पैटर्न इधर भी यही है कि बाकियों की निस्बत बाकियों में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं लेकिन SEQ में उनके नंबर वेरी एवरेज हैं. अब इसका मैं बात करता रहा हूँ इस इशू के बारे में. एक इसका एलिमेंट ये है कि आप लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई सारे साल. ठीक है. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं
दोबारा से बात, अब तो हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि इस ये आपकी वीकनेस है आपकी क्लास की, जो टॉप के हैं वो भी और जो बिलो है एवरेज वो भी, उनकी भी सेम सेम वीकनेस है, वीकनेस का एम्पलीट्यूड फर्क है, ठीक है। और वैसे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, विच इज अलार्मिंग फॉर मी। ओके, तो एक तो ये कि टेस्टिंग कम हुई है, दूसरा ये कि आपने मेरा ख्याल है जो पढ़ने के तरीका है उस पर बहुत ज्यादा गौर जरूर किया है, लेकिन टेस्टिंग क्योंकि हुई नहीं तो उस पर आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा नहीं गई, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इसमें जाहिर है वी वेंट एट लेंथ टू चेक दैट इट्स डन प्रॉपरली एंड विद इन टाइम, सो वी टाइम दिस एग्जाम वेरी टाइटली, ऑलमोस्ट ऑन UHS, बल्कि UHS का भी जो टाइम लाइन है उससे हमने इसको थोड़ा सा और टाइट रखा था, लेकिन सबके लिए था, तो यू कॉन्ट रियली आर्ग्यू कि जी टाइम इज एन इशू, टाइम वॉज एन इशू विद एवरी वन, ठीक है। MCQ 2 इज अ टाइम्ड एक्टिविटी, सो टाइम का ये इशू है। मेरा ख्याल है जो ओरिएंटेशन है SCQ को सॉल्व करने की वो नहीं है या वो कम है, जिसको फिर एड्रेस इंशाल्लाह करेंगे, तो ये चीज है। दूसरा ये कि MCQ में तुक्के चल जाते हैं, सीधी सी बात है, तो इसलिए भी आप ये देखेंगे ये स्कोर्स अच्छे हैं, इधर भी अच्छे हैं, इधर भी बुरे नहीं है, मत ठीक है, एवरेज है, इधर और बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। SCQ में तुक्के नहीं चलते, ठीक है ना, SCQ में तुक्के नहीं चलते। वाइवर्स में अब आप सामने बैठे हुए हैं, अगर वाइवा है तो उसमें भी आप ना वो ज्यादा दाएं बाएं नहीं हो सकते, तो ये स्कोर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्पेक्टेकुलर आई वुड से, और ये स्कोर बिलो एवरेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉलेज का हर सेगमेंट में कमी है, इधर लगता है कि नॉलेज ज्यादातर सेगमेंट में ठीक है, यहाँ आके आपने मुझे लगता है उस नॉलेज की जो एप्लीकेशन है वहां मार खाई है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा एनालिसिस ये भी हो जाएगा कि जो ये वाले बच्चे हैं इन्होंने हर सेगमेंट में एक्सेप्ट SCQ दे हैव आउट परफॉर्म्ड अदर्स, ठीक है। तो ये नहीं कि कोई एक आउटलायर है इसमें, कोई MCQ में उन्होंने छत उड़ा दी हो, 100% ले लिया हो तो बाकी में माठे नंबर हो, नहीं, उन्होंने सारी सेगमेंट्स में अच्छे नंबर लिए, सो दे हैव सॉर्ट ऑफ प्रूव्ड दैट देयर नॉलेज वाज सच दैट वी चेक्ड इट एट 4 डिफरेंट लेवल्स एंड इट चेक्ड आउट इन 3 ऑफ द 4। इधर सारों में एक्सेप्ट प्रैक्टिकल विच इज अ स्मॉलर शॉर्टर सेगमेंट, बाकी में बहुत गुंजाइश है अभी मेहनत की और बहुत गुंजाइश है अभी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैंने ये सोचा कि इसका एनालिसिस करते हैं और इस बात का मजीद मतलब निकालते हैं, ठीक है। और मैं अब ये करूँगा कि मैं इस वीडियो में आगे आपको जो आपकी की है SCQ की की जो हमने बनाई थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको रैंडम टर्म्स दी गई थी जो कि आपने एक मीनिंगफुल फ्लो चार्ट में इनको ट्रांसफॉर्म करना था। इन टर्म्स में ये ख्याल रखा गया था कि ये कार्डियोवैस्कुलर को एज अ कार्डियोवैस्कुलर इंटीग्रेटेड सिस्टम ट्रीट करें, आपके जहन में वो रिलेशनशिप्स हों जो कि हार्ट को सर्कुलेशन से लिंक करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डिक आउटपुट ये प्योरली कोट एंड कोट हार्ट फैक्टर्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो सर्कुलेशन के फैक्टर्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली सर्कुलेशन जो है वो आइसोलेटेड तो नहीं है हार्ट से, वो उसके साथ लिंक्ड है। तो एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स एनी ऑफ दिस कोट एंड कोट सर्कुलेटरी फैक्टर्स विल हैव एन इफेक्ट ऑन द हार्ट। सो एनी हाउ आपकी ये नॉलेज चेक करने के लिए आपको ये जंबल अप दे दिए गए थे, तो दिस इज वॉट वी वॉन्टेड फ्रॉम यू, ठीक है ना। आप इसको किसी तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते थे, आप इसको कार्डिक आउटपुट से शुरू कर लेते, आप प्रीलोड से शुरू कर लेते, जैसे भी इसको शुरू कर लेते, लेकिन जो सीक्वेंस है वो मैं ये देखना चाह रहा था कि आपको ये आइडिया हो कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में, जैसे तस्बीह के दाने नहीं होते वैसे, किस तरह के रिलेशनशिप में ये लोग ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। So MSFV means circulatory filling pressure determines venous return. As you must know now, venous return then determines preload. Preload affects contractility. Frank-Starling law यहाँ पे आ जाता है. Contractility is directly linked to cardiac output, or cardiac output is directly linked with blood pressure. ठीक है?
अब यहाँ पे टीपीआर का जिक्र था, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके, तो बीपी का फॉर्मूला क्या है, ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला है, इट्स कार्डिक आउटपुट इनटू टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस मेन सीक्वेंस में इसने टीपीआर ने नहीं आना था, ये थोड़ी सी ट्रिक थी, इसने बेसिकली इफेक्ट करना है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो ये वैसे तो एक स्ट्रेट फ्लो चार्ट बनाना था जो कि खत्म हो जाता ब्लड प्रेशर पे, टीपीआर को आपने सिर्फ एरो करके, वो मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है इसको एरो डालने का, टीपीआर को आपने एंगल करके बीपी की तरफ इसको पॉइंट करना था कि ब्लड प्रेशर गेट्स अफेक्टेड बाय टीपीआर, द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये हम बेटे चाह रहे थे आपसे एज अ रिस्पॉन्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस होल क्वेश्चन इज द की वर्ड्स वर कजन फ्रॉम कराची, कराची इज सी लेवल, ठीक है, स्कर्दू इज द सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड, वेरी हाई पॉइंट अबव सी लेवल, सो क्लियरली वी आर टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज इन एटमोसफियर, एक्लेमेटाइजेशन की तरफ। जब भी कोई रेस्पिरेशन से लिंक्ड कोई सवाल इस तरह का है जहाँ पे इस बंदे को किसी बुलंद मुकाम पे ले जाया जा रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि शायद आपसे अब एक्लेमेटाइजेशन पूछी जाएगी। ठीक है, इसने आपको कहा he called you as soon as he reached there, complaining of being out of breath when he tried to go for a brisk walk. Now I'm trying to explain to you कि इसने जाते ही वहाँ पे brisk walk या exercise करने की कोशिश की थी, obviously out of breath हुआ because वहाँ पर hypoxia मिला इसको, वहाँ पे PO2 atmosphere में कम है, तो when he tried to exert in an exercise as is the case brisk walk, तो वो जो hypoxia है वो उसका effect ने बेसिकली इसकी जो वेंटिलेशन उसको लिमिट किया। अब क्यों लिमिट किया, अब ये मैं इन डिटेल पढ़ा चुका हूँ वेरी ब्रीफली, बिकॉज एट सी लेवल आपका जो कंट्रोलर है रेस्पिरेशन का वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लक्चुएशन से रेस्पिरेशन का रेट एडजस्ट होता है। ठीक है, तो यही बंदा जब ऊपर चला गया स्कर्दू या जहाँ चाहे चला जाइए, इसका कार्बन डाइऑक्साइड ही कंट्रोलर होगा, और the things which basically in the CNS, the respiratory centers, they are responsive to carbon dioxide, okay, agents in particular, but that is directly linked to carbon dioxide, which I explained in one of my online lectures. So obviously isne out of breath hona tha because oxygen is not deriving the respiration, he is still on Karachi time, quote unquote, okay, so his respiration is responding to carbon dioxide, which is bahral sea level pe jo main controller hai, तो इसीलिए ये आउट ऑफ ब्रेथ हुआ। मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि ये है, वैसे अदरवाइज ये यंग हेल्दी पर्सन है, इसको कोई रेस्पिरेटरी मसला नहीं है, जस्ट टू टेल यू कि इसको और कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन यू रीअश्योर हिम दैट दिस इज नॉर्मल एंड दैट ही विल बी फाइन इन अ डे और टू। अब ये डे और टू का जिक्र क्यों आया, आपने सवाल पढ़ा ही नहीं बेटे, ये बहुत पुअरली अटेम्प्टेड सवाल था, इसमें तकरीबन सारे बच्चों के गंदे नंबर आए। ठीक है ना, और इसी से फिर वो मेरा ख्याल है ओवरऑल मीन भी आप लोगों का नीचे गया है। ठीक है, ये मैं क्यों लिखूंगा, एक रैंडम चीज तो नहीं है ये, तो एक एक लफ्ज बड़ा सोच के लिखा गया है। डे और टू में क्या होगा, डे और टू में एक्लिमेटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, वही उसी जगह पे ही विल बी एबल टू डू ब्रिस्क वॉक और व्हाटएवर ही वांट्स टू डू विद नो इश्यूज, विद नो हाइपरवेंटिलेशन, विद नॉट बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। क्यों, बिकॉज हिज सिस्टम विल बी एक्लिमेटाइज्ड एंड नाउ ऑक्सीजन इज द ड्राइवर ऑफ हिज रेस्पिरेशन। ये बात सॉल्व करनी थी इसमें, ये दिस वॉज it should not have been a tough SEQ for those people who actually understood acclimatization, ठीक है? और मैंने बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो रटे रटाए चीजें आप लोगों ने फिक्स करनी थी उस पर और वो मसला हल नहीं होना था आपका। ठीक है, तो मैंने कंसाइसली एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ योर एडवाइस टू हिम, आपने क्यों कहा उसको कि जी अभी ये ठीक है, ये नॉर्मल होता है और आप कुछ दिनों में फाइन हो जाएंगे। इसकी बुनियाद क्या है फिजियोलॉजी में, वो है एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, दुख की बात यह है कि तकरीबन सारों ने एक्लिमेटाइजेशन सिर्फ एक एंगल से डिस्क्राइब की है। ठीक है, हालांकि हम ये चाह रहे थे। ठीक है, वंस अगेन मेरा एक पूरा लेक्चर ये इस प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, देख लेना, आई एम नॉट गोना गो थ्रू द एंटायर थिंग बिकॉज दैट विल बिकम दैट लेक्चर, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है वहां पे, वो उसको पढ़ लो। ठीक है बेटा जी, ये इसकी की है, दिस इज वॉट वी वर लुकिंग फॉर, वी वॉन्टेड यू टू गो डाउन द लेन ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। एक उसका इमीडिएट एक्सपोजर टू लो PO2 जिसकी वजह से वो हाइपरवेंटिलेट किया है। ठीक है, उसने हाइपरवेंटिलेट इसलिए किया है और वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो गई, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो गई जिसकी वजह से लिमिटेशन हो गई, हाइपरवेंटिलेट करके बैठ गया वो। और फिर आफ्टर 2-3 डेज क्या ऐसा होता है
कि जी ये सिचुएशन क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो टॉलरेट हो जाती है आफ्टर कपल ऑफ डेज। ये सारा लिख के आपने ये जुमला लिखना था कि जी ये वजह है, ये नंबर बी में जो आप डिस्कस कर रहे हैं, ये वजह है इसके बेटर टॉलरेट करने की इन अ कपल ऑफ डेज, ऐसा क्या चेंज होता है, वो ये सारी ये तीन फिक्र लिखने हैं आपने, ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें जिक्र एरिथ्रोपोइसिस का वगैरह, एरिथ्रोपोइसिस सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस को तो और मजीद दिन लग जाए, तीन दिन में आप थोड़ी सुर्ख व सफेद हो जाते हैं, आपको मजीद दिन लगते हैं, ये थोड़ी कि आप एक दो दिन गुजारें स्कर्दू में और वहां आपकी एरिथ्रोपोइसिस हो जाए, ना आपको काफी दिन गुजारने पड़ते हैं वहाँ पे, एरिथ्रोपोइसिस यू नो एरिथ्रोपोइटिन गेट्स रिलीज फ्रॉम द किडनी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मेनी डेज, इनफैक्ट अ फ्यू वीक्स, तो दैट इज दैट कैन नॉट अकम्प्लिश्ड अक्लिमेटाइजेशन, दिस इज द रीजन। And why would we be looking at a blood physiology parameter in respiration? आपने सिर्फ उसको लिख के आप आगे चले गए, ये हम blood physiology तो नहीं कर रहे थे, test तो respiration का था, ठीक है, तो ये go through that and this is basically the list key together with this particular video which you need to follow. Question 3 में पूछा गया था कि क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग, अब ये बात जो है ये इटैलिक्स में है, ठीक है, तो बेटे ये हिंट था कि क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, ठीक है, सो इफ वी आर लुकिंग एट क्वांटिटी, हेल्डेन्स एंड बोहर्स इफेक्ट, विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच वन इज मोर सिग्निफिकेंट, वी हैव एक्चुअली सेड दिस स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, वी हैव मेंशनड इट, हेल्डेन्स इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट देन बोहर्स इफेक्ट इज फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी जो हेल्डेन इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो क्वांटिटेटिवली स्पीकिंग ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो बोहर इफेक्ट ऑक्सीजन के लिए करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट का ये मतलब था, ठीक है, ये भी काफी लोगों ने इसके साथ कोई जस्टिस नहीं की, ठीक है ना, वही बात है कि थोड़ा सा टिपिकल वर्ड से हम हटते हैं तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर हेल्डेन इफेक्ट ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है, जो डिसोसिएशन है एट द लंग्स, इट विल बी हाफ, इतना फर्क है, सी ये है मामला, ठीक है, एंड व्हाइल वी आई विल शो यू द की इज लेंथी ऑब्वियसली फॉर टीचर्स टू लुक एट कीवर्ड्स एंड ऑल दैट, बेसिकली क्या क्या जरूरी था कि आपको हेल्डेन इफेक्ट का जो डिटेल है वो मालूम हो, और हेल्डेन इफेक्ट क्या है, हेल्डेन इफेक्ट इस ग्राफ से साफ पता लग जाता है, अगर आप देखें, चलें इस ग्राफ पे हम बाद में जाएंगे, पहले की देख लेते हैं कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना था, आपने बोहर इफेक्ट डिफाइन करना था, फिर आपने हेल्डेन इफेक्ट डिफाइन कर देना था दूसरी लाइन में, और फिर आपने कमेंट करना था कि भाई क्वांटिटेटिवली हेल्डेन इफेक्ट करता क्या है, ठीक है, वो मैंने यहाँ से पैराग्राफ हटा दिया है क्योंकि बहुत लंबी स्लाइड बन जानी थी, ठीक है, तो जो वो करता है वो ये करता है बेटा जी कि एट हाई PO2s, ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ दिखाया हुआ है कि एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व PO2 एट 40 दिखाई गई है, ये डॉटेड लाइन, और दूसरी कर्व दिखाई गई है सेम कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दिखाई गई है, लेकिन ये एट अ PO2 ऑफ 100 दिखाई गई, यानी ये कर्व जो फर्म बनाई गई है ये हायर ऑक्सीजन प्रेशर के दौरान बनाई गई है, और डॉटेड कर्व कम ऑक्सीजन प्रेशर के दौरान बनाई गई है, ठीक है, अब व्हाट हैज ऑक्सीजन गॉट टू डू विद कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द क्वेश्चन, राइट, दिस इज द हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है ना, ये ही हेल्डेन इफेक्ट है कि है, वो क्या करता है, हाई ऑक्सीजन जो होती है, जो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है तो वो वहां पे हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो वो जो ज्यादा है ऑक्सीजन वो हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज में फ्रॉम हीमोग्लोबिन, कैसे करती है ये ऑक्सीजन, इसको वो अनस्टेबल कर देती है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसको वो ढीला कर देती है, अनस्टेबल कर देती है, वीक कर देती है, कैसे करती है वो ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई, ये पढ़ लेना, ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए, ठीक है, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को कि पहले आपने दोनों इफेक्ट्स डिफाइन करने थे, फिर आपने मेंशन करना था कि जी ये अगर हेल्डेन इफेक्ट ना हो तो ये सिर्फ 2% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो एट लंग्स, हालांकि हमें 4% चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हेल्डेन इफेक्ट is very crucial to release that extra 2% from the blood. ये जैसे ये जो arrow है, this arrow is the Haldane effect, ठीक है? अच्छा, वो आपने line लिख ली, उसके बाद दूसरी line में, how does Haldane effect achieve this? वो फिर 2 reasons आपने ये वाले कर देने, क्योंकि acidic हो जाता है with exposed, when it's exposed to higher oxygen,
और एसिडिक हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड, रिपेल्स इट, और वो आगे सारी कहानी आपने बयान कर दी। तो ये बेटा जी, ये वो सवाल था जो ये भी कमज़ोर हुआ है, क्योंकि इसमें रीजनिंग थी, सवाल की टिपिकल वर्ड्स नहीं थे। आप ज़रा सा ये आगे जाएंगे हायर क्लासेस में और कंपेटिटिव एग्जाम्स में पोस्ट ग्रेड, तो वहाँ पे आपको ना इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब आने चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ मक्खी पे मक्खी नहीं मारी जा सकती, सवाल कभी कभार आड़े तिरछे भी आ जाते हैं, लेकिन उनमें पूछा वही जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गई बात। सेकेंड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस राइट। ये सिंपल रिकॉल बेस था, हम आपसे पूछा था कि जी ECG चेंजेस बता दें, एक मार्क का था तो एक आध भी आप बता देते, दो अगर सेफली बता देते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते। ये वो लिस्ट है, यहाँ पे थोड़ा पॉज कर देना, जरा इसको स्टडी कर लेना, ठीक है। देर इज़ नो समझाने वाली इस क्वेश्चन में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ए टिपिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दिस आई एम नॉट गोना डिस्कस बिकॉज इसकी की जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इम्पॉर्टेंट है। आपसे पहले पूछा गया दो नंबर्स के लिए, दो मार्क्स के लिए, कि APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का इम्यून सिस्टम में क्या रोल है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने तो इम्यूनिटी पढ़ी है, जिसको बच्चे को पता है इम्यूनिटी का, वो सबसे पहला जो उसके दिमाग में पॉइंट आएगा कि भाई APCs जो हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, पहले वो उनके नाम लिख देगा कि जी ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और ये यहाँ यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन हो जाएगी। अब आप बताएंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करता क्या है, तो ऑब्वियसली वो एंटीजन पकड़ के उसको प्रोसेस करता है और अपने सर्फेस पर लगा देता है MHC पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। लेकिन इसको ये करने की क्या जरूरत पड़ती है, इसको ये करने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि कोट एंड कोट टी सेल इज ब्लाइंड। टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली आपके ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, टी सेल पे जो बेस्ड है, इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन्स डायरेक्टली ऑन द पैथोजेंस, इट नीड्स प्रोसेस्ड एंटीजन, ठीक है। तो उसके लिए उस टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए आपको APCs की जरूरत पड़ती है। ये सारा बेटा जी आपने डिस्कस करना था इस पहले वाले में। दूसरे वाले में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कंसाइसली, डिस्क्राइब द कंसाइसली वर्ड है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेल्पर टी सेल इन इम्यून सिस्टम। और इसमें अगर आप एक्स्ट्रा ये भी लिख देते कि जी हेल्पर टी सेल इज द सेल विच इज नॉक्ड ऑफ इन एड्स, ठीक है ना, जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है वो एक्चुअली इस सेल को उड़ाता है, जिसकी वजह से पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। ये इसकी की है, ये आप देख लेना, पढ़ लेना, मैंने आपको उसकी ब्रीफ उसका सारा बता दिया। उसके बाद ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज रीपोलराइजेशन टेक प्लेस इन नर्व फाइबर। ये किसको नहीं पता कि रीपोलराइजेशन कैसे होती है, पोटेशियम के इफ्लक्स से होती है, ठीक है। हाउ डज कैल्शियम इनफ्लक्स इन द, अच्छा ये जो सवाल था, कैल्शियम इनफ्लक्स इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कॉजेज रिलीज ऑफ द एसिटाइल कोलीन विच इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें हम लोगों ने डिटेल पूछी थी, ठीक है ना, वो तो सबको पता है बेटा जी कि कैल्शियम अंदर जाता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, वो तो सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने इसको बस इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया, दैट वाज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट वाज इट्स डिटेल्स, ठीक है ना। हियर यू विल सी द डिटेल्स, कैल्शियम एक्टिवेट्स द कैल्शियम कैलमोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज, दिस इज वॉट गेट्स, और ये एक नंबर का था, which then phosphorylates synapsin, ये आधे नंबर का था, freeing the secretory vesicles from the cytoskeleton, ये 0.5 का था, which move to the presynaptic membrane, fuse with it and release the acetylcholine by the सारा जो fuse करके अपने जो contents हैं वो cleft में निकाल देते हैं, synaptic cleft में, ठीक है, ये 0.5 नंबर का था, ठीक है। तो ये आपको एक और अच्छी एग्जाम्पल है कि की कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर एक टेक्निकल क्वेश्चन हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने इसमें एडवांटेजेस बता ही देने थे उसके, ठीक है, और डिस्कस द की, यस वेलोसिटी है, एनर्जी है। अब ये जो था ना दूसरा सवाल, ये इंपॉर्टेंट था, इसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है कि आपको पता है कि कैल्शियम की सोर्स यानी कैल्शियम किधर से आता है, कहाँ होता है, जब स्केलेटन मसल को चाहिए होता है और जब स्मूथ मसल को चाहिए होता है, ठीक है ना। ये चेक वाली बात है, इसमें कार्डियक मसल को भी देना चाहिए था, खैर वो भी पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें अच्छा दिया हुआ है किताब, गाइटन में भी अच्छा दिया हुआ है, BRS में भी अच्छा दिया हुआ है। तो स्केलेटन मसल में वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है, वहीं से निकलता है, वहीं वापस चला जाता है एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल में वो ECF से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक मसल में भी ये ECF से जाता है, ठीक है। तो ये है बेटा जी आपके क्वेश्चंस,
और आई होप कि दिस हैज बीन यूजफुल फॉर यू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।